कभी-कभी हमें उन गलतियों की सज़ा मिल जाती है जो हमने किया ही नहीं होता, और जब ऐसा होता है तो भगवान से भरोसा उठ जाता है। बट सच क्या होता है इसके पीछे का? आपका एक ज़िंदगी में एक स्टेप आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है? शायद आप नहीं जानते। आपका एक सेकंड में करियर भी चौपट हो सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ था, तो चलिए अब जानते हैं पूरी स्टोरी को कि हुआ क्या था। चार स्टूडेंट आए थे कोचिंग करने के लिए गाजियाबाद में। कोचिंग कर भी रहे थे, बट कोचिंग करते करते पता नहीं कौन सी राह पे निकल गए और लोगों का ना बाइक लूटने लगे, सामान लूटने लगे, पैसे लूटने लगे। ऐसा चलता रहा और ऐसा लंबे टाइम तक चलता रहा। और ऐसा नहीं कि वो पैसा वो अपने घर भी भेजा करते थे, घर वाले भी इम्प्रेस थे। बट घर वाले जब पूछा करते थे कि भाई तुम ये पैसा कहाँ से लेके आ रहे हो, तो घर वालों को ना एक मीठी सी गोली उन्हें दे दिया करते थे कि हम सुबह में कुछ पार्ट टाइम जॉब करते हैं और साथ में कोचिंग भी करते हैं। अब उसी से अट्रैक्ट होके उसी के गाँव के दो लोग और वहाँ पर आ गए। एक लोग पहले आया, सॉरी, एक लोग आया। उसको जब चीज़ें ये पता चली, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, बट वो वहीं रह रहा था और वहीं रह के कुछ नौकरी करने लगा। कोचिंग उसने छोड़ दी थी। अब उसने भी अपने गांव में ये मैसेज नहीं दिया कि वो लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ना किसी को बताया। अब एक और बच्चा उन्हीं से प्रभावित होके, उन्हीं से अट्रैक्ट हो गए, एक और बच्चा आ गया उन्हीं के यहाँ पे, जो 2004 का बर्थ था, यानी 18 साल भी उसने कंप्लीट नहीं किए थे, यहाँ कोचिंग करने आ गया। और वो कोचिंग कर भी रहा था। उसे आए हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए थे कि वो जो उन चार लोगों की वजह से एक दिन वो पकड़े गए, और अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन में आया कि एनसीआर में 7 लुटेरों को पकड़ लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उन दो की क्या गलती है। उन दो की ये गलती है कि वो उस घर में रह रहे थे जिस घर में वो अपराधी रह रहे थे, एक्यूज्ड। अब मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि वो लोग, क्या पता पुलिस ने कोई फर्जी केस बनाया हो, ये भी तो बातें आ सकती है ना, बट फर्जी नहीं है, ऐसा हुआ है। बहुत सारी बाइक लूटी है उन्होंने और उनके पास ना 9 मोबाइल मिले हैं, 2-3 मोटरसाइकिल मिली है, तो ये चीज़ें मिली हैं उनके पास। अब प्रॉब्लम आ जाती है कि वो बच्चा जो 3 दिन पहले आया था, उसका तो करियर चौपट हो गया ना। अब वो तो कहीं किसी भी उसका नहीं रहा, वो तो जेल में है, डासना जेल में है फिलहाल। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। तो इसमें देखिए, हम सबको एक बात ही सीखने को मिलता है, और ये एक कहावत भी है पहले से, कि जिन बागों के माली नहीं होते ना, वो बाग अक्सर उजड़ जाया करते हैं। आपके बच्चे जहाँ भी हो, कहीं भी हो, उनका ज़रूर पता रखें कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और कभी कभी ना सरप्राइज़ टेस्ट की तरह उनके पास पहुँच जाइए आप कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वरना उनका बच्चा, आपका बच्चा किस मुसीबत में जाके पड़ जाए, ये शायद आप भी नहीं जानते। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, टिल देन बाय। और उन पर जो सेक्शन लगे हैं वो 392 लूट के लिए और 411 रिकवरी के लिए, जो उनसे माल बरामद हुआ है। अब मुझे लगता है कि उनका बेल यहाँ से नहीं होगा, होगा तो हाई कोर्ट से। कोई भी अपडेट होती है मैं इन फ्यूचर आपको देता हूँ। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, टिल देन बाय। आपका कोई सवाल है हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर भेजिए। तब तक के लिए बाय।